लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू न्यूज ब्लॉग। तो गाइस आज हम अपने शॉप पर आ चुकी है रॉयल एनफील्ड BS7 न्यू जनरेशन रिबॉन 350cc। एंड गाइस आज हम इसमें कस्टमाइज करने वाले, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आपका भाई ऐसे ऐसे सीरीज पर वीडियोस लाता रहता है। तो गाइस ये रहा मैट ब्लैक फुल्ली, अभी शोरूम से जस्ट आई है। 350cc क्लासिक, पुरानी वाली नहीं है, बिल्कुल न्यू जनरेशन है BS7। और इसमें गाइज मैं बताने वाला हूँ, इसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। एंड नाउ पुरानी वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, इस पर पहले मैं ऑलरेडी शोरूम की वीडियो डाल चुका हूँ। तो आज अपन बात करने वाले हैं क्लासिक 350 रिबॉन में एसेसरीज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इसकी लेगार्ड, तो भैया अभी लेगार्ड पहले लगवा के आए थे, अभी भैया क्या क्या इसमें लगाने वाले हैं और क्या क्या लगेगा, क्या प्राइस रहने वाला, सारा कुछ बताएंगे। वीडियो एंड तक देखो, एंड चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आइए एक एक करके इसका पार्ट बाय पार्ट करके एक एक पार्टिकुलर एसेसरीज के बारे में बात करता हूं। गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताता हूं कि गाड़ी है मैट ब्लैक और बरसात का सीजन चल रहा है, तो आपको पता होगा कि सम गार्ड कितना ज़्यादा जरूरी है। एंड नाउ सम गार्ड लगाना से क्या क्या बेनिफिट मिलता है, इसके दो बेनिफिट मैं आपको बताता हूं। तो देख सकते हैं अभी पानी का कीचड़ कितना ज़्यादा लग चुका है। एंड नाउ ये अल्मीनियम की बॉडी आती है, आपको पता होगा, नहीं पता जो भाई लोग को तो पुरानी वीडियो देख लो। तो गाइस देखिए अभी सम गार्ड मैं आपको लगाने वाला हूँ, एंड अभी ये लग जाने के बाद आपको चैम्बर को भी बचाएगा एंड बारिश की छींटों से भी बचाएगा, ठीक है। एंड डुअल हॉर्न साथ में करने वाले हैं। अगर हम बैक साइड चलेंगे तो बैक साइड आपको मिल जाता है कुशनिंग वाला बैकरेस्ट, जो रात वगैरह में अगर चल रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो पीछे बैठने वालों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है, कंफर्टेबल रहेगा। एंड नाउ इसमें बैचिंग भी रॉयल एनफील्ड की आ रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। प्राइस के लिए आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम में। नीचे आपको बैकलाइट असेंबली मिल जाता है, इसमें जाली वगैरह आपको मिल जाएगा। इंडिकेटर्स में ग्रिल्स अभी नहीं लग रहे फिलहाल, अभी नया रिबॉन में ग्रिल्स नहीं आया, बैकलाइट में आपको लग जाएगा। एंड पीछे भी मैं साइलेंसर वगैरह चेंज करूंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। गाइस देखो यहाँ मीटर कवर लग चुका है, इससे बरसात में वगैरह में आपको अगर पानी में छीटा वगैरह आता है मीटर में पानी चल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। नेविगेशन का इसमें आ चुका है नया मॉडल में, तो देख सकते हो मीटर भी काफ़ी क्लीन दिख रहा है, दिक्कत वगैरह नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ डुअल हॉर्न का कनेक्शन हो गया, तो आवाज़ मैं आपको सुना देता हूँ। तो यहाँ कनेक्शन बढ़िया से कर दिया हमने, पानी वगैरह से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, वायरिंग का कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ होंगे जो बोलेंगे वीडियो के एंड में कि भैया आपका इशू आ सकता है कनेक्शन वगैरह अगर करवा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं आने वाला। पर हेडलाइट्स को हमने ग्रिल्स नहीं लगवाना है, सिर्फ पार्किंग में ग्रिल्स लगाएंगे, पीछे बैकलाइट में लगाएंगे, दो ग्रिल्स लगेगा तो गाड़ी थोड़ा खूबसूरत लगेगा देखने में। अब आगे देखते हैं सम गार्ड लगा के कैसा लगता है, एंड नाउ आपको फाइनल सुना दूंगा साइलेंसर लास्ट में। दो क्लैंप्स इसमें मिलते हैं आपको और ये सम गार्ड हो जाएगा बिल्कुल फ्लैट। तो सबसे पहले आपको लेगार्ड का बोल्ट खोल लेना है और दोनों बोल्ट को खोल के क्लैंप्स को टाइट कर लेना है, और उसके बाद सम गार्ड को टाइट कर लेना है। अभी अगर लग जाने तो फिर मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा आपको अच्छे से, ठीक है। अभी फिलहाल साइलेंसर का साउंड सुनते हैं, साइलेंसर अभी खुलने जा रही है, स्टॉक साइलेंसर बाहर करेंगे और आफ्टर मार्केट साउंड सुनाऊंगा मैं। नाउ इसका स्टॉक साइलेंसर खुल चुका है, न्यूट्रल कीजिए सर। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक एक करके साउंड। इसको बोलते हैं हॉर्स राइडिंग, टक 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 करेगा, माइलेज भी खराब नहीं होगा, इंजन भी खराब नहीं रहेगा। एक ओला सुना दो। नाउ देखो इसमें इंदौर ही लगा दिया हूँ मैं, अब मैं आपको सुनाता हूँ मड फ्लैप का कमाल। गाड़ी देख लो न्यू जनरेशन है BS7, आवाज़ देखो। नाउ गाइस ये रहा मिनी पंजाब और इसका साउंड सुन लो, दिल खुश हो जाएगा। मतलब बोलिए सर कौन सा लगवा दें, ये 1500 रुपये का आएगा। इस गाड़ी अपन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ भैया का लेगार्ड पहले से लगा हुआ था, नीचे गया आपका सम गार्ड, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया फिटिंग आई। एंड नाउ इसमें पानी वगैरह से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, चैम्बर वगैरह भी फटेगा नहीं। नीचे डुअल हॉर्न लगा चुके हैं हम, यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ आपको ग्रिल्स मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो गाड़ी ऑन करूँगा तो ग्रिल्स का लाइट अच्छा लगेगा। यहाँ आपको लग गया मीटर कवर, पानी से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ग्रिप कर भैया लगवा दिए, भैया को फ्री मिला है। यहाँ आपका हॉर्न सुना देता हूँ मैं आपको साउंड का, यहाँ कनेक्शन किया हुआ है, एक्स्ट्रा कनेक्शन किया हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। स्टिकर भैया का लग चुका है, देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर हम बात करें इसके पीछे की, तो पीछे आपको मिलता है रियर मड फ्लैप। यहाँ आपका साउंड चेंज हो गया, साइलेंसर लगाए मिनी पंजाब, तो एक बार सुन लो साउंड एक बार। ये आइडल पर साउंड है आपका, और ये थंप लोगे तो देखो ऐसा साउंड आएगा, और यहाँ रहा भैया का बैकरेस्ट। भैया बैकरेस्ट कैसा लग रहा है, पीछे बैठने वालों को आराम रहेगा कि नहीं, पहले वाले से जो शोरूम फिटिंग आता है
उससे दिक्कत हो रहा है। ये बढ़िया तो है, कहाँ से आप आए? सामान लगने के बाद कैसा लग रहा है गाड़ी? आवाज़ हॉर्न का कैसा आ रहा है? कितना देंगे 10 में से रेटिंग? 10 में से कितना रेटिंग दीजिएगा? 10 में से रेटिंग कितना दीजिएगा? 10 में 10। तो चलिए गाइस, ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।